बुलंदशहर के डिबाई थाना क्षेत्र में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। आपको बता दें कि डिबाई मस्जिद में नमाज अदा करने पर कार्यवाही अमल में लाई गई है। बता दें कि मौलवी मैग्नेट बंद कर नियम विरुद्ध सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर नमाज अदा करा रहे थे। लॉकडाउन के मद्देनजर सतर्क पुलिस ने मौलवियों पर केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि मौलवी लॉकडाउन के नियम का पालन नहीं कर रहे थे। अलग अलग दो मस्जिद के मौलवियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बुलंदशहर से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। आपने कराया था जब भी ऐलान किया था और उसके बाद फिर मैं भी ऐलान किया है और अभी भी ऐलान किया है। फिर क्यों रहे हो, क्यों हुआ ये जो मौत हो गई ना, उस वजह से आ रहे हैं। तो नमाज सब घर पर ही पढ़ रहे हैं। नाम बताया अपना? मोहम्मद राशिद। राशिद पिताजी का? जी पिताजी का नन्ने का। नन्ने का कहाँ रहते हैं? मैं रहने वाले बहना बदायूं का हूँ, लेकिन अभी फिलहाल यही रह रहा हूँ। बदायूं के रहने वाले हैं? जी। कहाँ बदायूं में? कहाँ बदायूं? ककराला। ककराला गांव? ककराला जी। थाना? अलापुर। ठीक है, एक मुकदमा इनके। आज जनपद बुलंदशहर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में 35 मुकदमे पंजीकृत कराए गए। 51 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज हुए हैं। कुल 693 वाहनों का चालान किया गया है, जिसमें 42 वाहन सीज किए गए हैं और 72,800 रुपये का जुर्माना विभिन्न वाहन चालकों से वसूला गया, जो अकारण और अनावश्यक रूप से लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पूरे जनपद क्षेत्र में पाए गए। इसमें उल्लेखनीय यह भी है कि थाना डिबाई क्षेत्र में दो धर्मस्थलों में बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद भीड़ इकट्ठा की गई, जिसके परिप्रेक्ष्य में वहाँ भी मुकदमे पंजीकृत कराए गए और वैधानिक कार्रवाई की गई। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.